हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्वागत है आपका अपनी आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सीरीज में। सो हम अपनी आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सीरीज को कुछ इस प्रकार कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सीरीज स्कल्पचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, मौर्यन आर्ट, पोस्ट मौर्यन आर्ट, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये तीन टॉपिक्स हम अपने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम गुप्ता आर्ट में टेंपल आर्किटेक्चर कवर करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हम आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर गुप्ता आर्ट पार्ट वन में केव्स एंड स्कल्पचर पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में हम साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, जिसमें टेंपल आर्किटेक्चर कवर करेंगे। इस तरीके से हमारी एंशिएंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर सीरीज कंप्लीटली कवर होगी। इसके बाद हमारे कुछ रिलीजन एंड फिलोसफी से रिलेटेड पार्ट बचेंगे, जिसे हम धीरे धीरे अपने आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं टेंपल आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई विल आस्क यू ऑल टू क्वेश्चंस। अगर आपने आर्ट एंड कल्चर की सीरीज को फॉलो किया है, तो काफी हद तक आप उन दो क्वेश्चन से रिलेट कर पाएंगे। सो जैसे कि हमने गुप्ता आर्ट पार्ट वन में पढ़ा था कि मैन्युस्क्रिप्ट वाज रिटन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेंपल। सो इसी तरह स्कल्पचर से रिलेटेड मैनुअल लिखे जा रहे थे, तो आपको बताना है उस मैनुअल का नाम क्या है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फर्स्ट फॉर्मल आर्किटेक्चर बिल्डिंग नेम रिलेटेड टू एनी रिलीजन। जैसे गुप्ता आर्ट में टेम्पल आर्किटेक्चर इज द रिलीजियस स्ट्रक्चर, बट ये फर्स्ट स्ट्रक्चर नहीं है रिलीजन से रिलेटेड। तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट भी दे देती हूँ। अगर आपने मॉडर्न पीरियड एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड अच्छे से कवर किया है, तो आप काफी हद तक उस हिंट को कैच कर पाए होंगे। सो सोचिए, वरना सर्च कीजिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे भी, तो कमेंट सेक्शन में आपको जवाब भी दे दिया जाएगा। सो अब हम आते हैं इवोल्यूशन ऑफ टेंपल इन नॉर्थ। सो इन गुप्ता पीरियड टेंपल का आर्किटेक्चर होना स्टार्ट हो गया था, और इसी तरीके से टेंपल में इवोल्यूशन होने स्टार्ट हो रहे थे, जिसे हम स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री में इन इवोल्यूशन को पढ़ने वाले हैं एंड देखेंगे हाउ दिस इवोल्यूशन गेव राइज टू द नगरा स्टाइल ऑफ टेंपल। सो लेट्स स्टार्ट with the stage 1 evolution of temple in north. So in the very first stage, flat roof square temple was created on the grounded platform, though the pillars were created, but they were very shallow in nature. Example, temple number 17 of Sanchi in Madhya Pradesh. So here you can see in the diagram also the structure of the temple. Here you can see flat roof square temple, and in front of the temple you can see the pillars, which are very shallow in nature. Here the shallow in nature means pillars were not in depth pillar, they were shifted on the platform, grounded platform, for the decoration purpose only. So that's why they were very shallow in nature. So here you can see the temple number 17 of Sanchi in Madhya Pradesh. So in the back you can see flat roof square temple, and in front of the temple you can see the shallow pillars, and this temple is created on the grounded platform. Now ab hum aate hain stage 2 evolution of temple. So in this stage flat roof square temple approach continued, jo ki humne stage 1 mein bhi dekha hai, but now डबल स्टोरी टेम्पल वर ऑल्सो विजिबल इन स्टेज टू। हमें डबल स्टोरी टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। अनदर चेंज वॉज क्रिएशन ऑफ टेम्पल ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। अब टेम्पल का क्रिएशन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पर होने लगा, जबकि हम स्टेज वन में ग्राउंडेड प्लेटफॉर्म देखते हैं। एंड यूज ऑफ इनडेप्थ पिलर। अब इनडेप्थ पिलर का यूज होने लगा, जबकि स्टेज वन में पिलर्स शैलो थे। सो अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाई इनडेप्थ पिलर? क्योंकि
अब स्टोरी डबल स्टोरी टेंपल होने लगे थे। अब टेंपल्स डबल स्टोरी होने लगे थे। इस वजह से इनडेप्थ पिलर का यूज किया जाने लगा ताकि बिल्डिंग के गिरने का डर ना हो। अब एग्जाम्पल पार्वती टेम्पल इन नाशना कुठारा इन मध्य प्रदेश। हियर यू कैन सी इन द डायग्राम ऑल्सो डबल स्टोरी बिल्डिंग एंड इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग यू कैन सी इन डेप्थ पिलर एंड टेम्पल्स वर क्रिएटेड ऑन अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। दिस इज द अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। नाउ दिस इज द पार्वती टेम्पल इन नाशना कुठारा। एंड अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे डबल स्टोरी बिल्डिंग तो है भी नहीं, क्योंकि टेम्पल थोड़ा पुराना हो गया है और पुरानी होने के साथ चीजों में थोड़ी गिरावट आने लगती है। इसी वजह से हमें डबल स्टोरी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है अभी। सो हम आते हैं स्टेज थ्री इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ दिस फेज वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ अ कर्विलिनियर टावर नोन एज शिखरा एंड द अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म इन डेप्थ पिलर एंड स्क्वेयर टेम्पल अप्रोच कॉन्टिन्यूड फ्रॉम द प्रीवियस फेज। प्रीवियस फेज मीन्स हमने स्टेज टू में भी सेम अप्रोच देखी थी, जो कि सेम अप्रोच स्टेज थ्री में भी है। एंड इट इज सेड दैट दिस स्टेज गिव राइज टू द अमरेला स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया, दैट इज नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल। यहाँ पे अम्ब्रेला स्टाइल ऑफ नॉर्थ इंडिया मीन्स इट कवर्स ओवरऑल टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया। मतलब इसी थीम पर अब आगे टेम्पल्स का इवोल्यूशन स्टार्ट होने लगा, जो कि हम नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जो कि हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। नाउ हियर यू कैन सी द डायग्राम ऑल्सो। हियर इंट्रोडक्शन ऑफ कर्विलिनियर टावर, दिस इज नोन एज शिखरा एंड हियर अ प्रेस्ड प्लेटफॉर्म इन डेप्थ पिलर एंड स्क्वेयर टेम्पल अप्रोच यू कैन सी एंड एग्जाम्पल इज द सवतारा टेम्पल देवगर इन झांसी। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्टेज थ्री टेम्पल। सो अब हम जानेंगे नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। सो नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स जानने से पहले हम जानेंगे कि ये नाम नगरा कैसे पड़ा। सो मेनलाइन चोला के टाइम पर दे क्रिएटेड मैनी टेम्पल्स। जैसे वन सच टेम्पल इज बृहदेश्वरा टेम्पल एंड दे डेलिबरेटली क्रिएटेड द टेम्पल्स इन द सिटी इट्सेल्फ और इन एंड अराउंड द सिटी वेयर द हैबिटेशन इज देयर। जहाँ पे लोगों का रहना होता था वहाँ पे उस सिटी में वो या तो सिटी के बीच में टेम्पल क्रिएट करते थे या सिटी के अराउंड। सो दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। दे क्रिएटेड टेम्पल्स टू प्रमोट द मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी कैसे प्रमोट करते थे, क्योंकि टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ एजुकेशन एंड द फूड एंड फॉर द प्रेयर्स। सो जब एजुकेशन और प्रेयर्स करने के बाद लोग अपने घर की तरफ जाते थे, सो वे अपने डेली नीड की थिंग्स मार्केट से बाय करते थे और बाय करने के बाद जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो सारा रिवेन्यू मेनलाइन चोला को एम्पायर को जाता था। सो दैट्स वाई दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड दैट्स वाई द नेम इज नगरा स्टाइल टेम्पल। बट वन मोर थिंग इज दैट हियर मेनलाइन चोला वॉज नॉट द फर्स्ट टू क्रिएट द टेम्पल इन द नगरा। हियर गुप्ता वॉज द फर्स्ट टू क्रिएट द नगरा टू क्रिएट द टेम्पल इन द नगर। बट हियर द डिफरेंस इज गुप्ता वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लोकेशन ऑफ द टेम्पल, बट मेनलाइन चोला ऑन द अदर हैंड मेनलाइन चोला वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द लोकेशन ऑफ द टेम्पल। दैट्स वाई दे वर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। सो अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ नगरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द फर्स्ट वन इज द स्पेशलिटी ऑफ नगरा इज प्रेजेंस ऑफ कर्विलिनियर टावर नोन एज शिखरा। द मोस्ट सैक्रेड प्लेस इन टेम्पल इज गर्भगृह।
where ideals of deities were placed, the appraised platform was known as Jagati. Generally, boundary wall and water tank is not created in Nagara style temple, and the presence of imaginary ambulatory passageway, which is called Parikrama path. And crucified ground plan was used in Nagara style temple. Here we see Panchayatan style of temple making is followed in many Nagara temple. So here you can see in the diagram also, this is the Shikhar part. Here is the Garbhagriha where they place the deities, idol of deities. And here you can see the Mandap, which is prayer hall. And this is the pillars. And this appraised platform was known as Jagati. And here you can see around the idols of deities, there is ambulatory passageway. So this is the structure of Nagara style temple. Here you can see crucified ground plan. Crucified ground plan means अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार का temple ground plan हमें देखने को मिलता है. And here Panchayatan style means this. Here you can see Panchayatan style. So where the ideal of one main deity is accompanied with four subsidiary god. So here you can see the main, जो main god होते थे वो बीच में होते थे और उनके जो साइड में होते थे वो उनके सब्सिडियरी गॉड होते थे. जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, जैसे शिवा है तो शिवा के जो सब्सिडियरी गॉड होंगे पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी. सो इस प्रकार पंचायतन स्टाइल वॉज यूज इन Nagara स्टाइल ऑफ टेम्पल. बट ऐसा नहीं था हर Nagara स्टाइल टेम्पल में पंचायतन स्टाइल होता था. किसी किसी में देखोगे आप थ्री आइडल्स ऑफ गॉड होते थे, जैसे कि राम, लक्ष्मण, सीता. किसी किसी में नाइन भी होते थे. बट मोस्ट ऑफ द Nagara स्टाइल ऑफ टेम्पल फॉलोड पंचायतन स्टाइल. सो हियर यू कैन सी द काशी विश्वनाथ टेम्पल, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ Nagara style temple architecture. So अब हम start करते हैं sub style of Nagara, जिसमें हम Odisha style cover करने वाले हैं. But start करने से पहले question ये उठ सकता है कि why we are covering sub style of Nagara? क्योंकि हम already Nagara style cover कर चुके हैं, तो अब हमें sub style cover करने की क्या जरूरत है? So मैं आपको बता दूं, इसमें आप पाओगे कुछ कॉन्सेप्ट Nagara स्टाइल से सिमिलर होंगे, बट सम वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम Nagara. बट आप पाओगे कि इसमें थीमेटिक प्रेजेंटेशन विल बी सेम लाइक Nagara. जैसे कि Nagara स्टाइल में आप गर्भगृह पाओगे, यहाँ पे भी आपको एक गर्भगृह मिलेगा, बट नाम चेंज हो, नाम थोड़े से नेमिंग थोड़ा चेंज होगी. वहाँ भी शिखर था, यहाँ आप देओल पाओगे, बट थीमेटिक प्रेजेंटेशन सेम है. वहाँ पे मंडप थे, यहाँ जगमोहन पाओगे. तो हम देखेंगे किस प्रकार से ये चीज़ें डिफर करती है और किस प्रकार से कुछ चीज़ें सेम आपको मिलेगी. तो कुछ चीज़ें आपको मॉड्यूलेशन के साथ मिलेगी, कुछ चीज़ें सेम Nagara स्टाइल जैसा होगा. तो इस वजह से हम इसको कवर कर रहे हैं. सो अब हम लेट्स स्टार्ट कवर करते हैं. सो हम उड़ीसा स्टाइल में पाते हैं कि जनरली बाउंड्री वॉल इज प्रेजेंट इन उड़ीसा स्टाइल एंड एक्सटीरियर वॉल ऑफ द टेंपल इज इंट्रिकेटली डेकोरेटेड विथ कार्विंग एंड द टावर इन उड़ीसा स्टाइल इज नोन एज देओल. एंड you can see in the diagram also, here in Nagara style the tower name is Shikhar and in Odisha style the tower name is Deol. But you can see here the one difference is in their structure ki banavat mein aap thoda sa different payenge inke jo tower hai. To aap dekhenge ki jo Nagara style ke jo tower hai going upward in a curved manner, start
स्टार्टिंग से एंड तक वो कर्व्ड मैनर में अपवर्ड की तरफ जाता है एंड इन देउल इट विल गो वर्टिकल टिल टॉप एंड देन सडनली स्टार्ट टू कर्व. ये सडनली कर्व होना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टावर. नाउ द नेक्स्ट इज प्रेयर होल इन उड़ीसा स्टाइल इज नोन एज जगमोहन, जबकि नगरा स्टाइल में से मंडप कहा जाता है. एंड इन मैनी ऑफ द उड़ीसा टेम्पल आइडल्स आर क्रिएटेड विद नेम वुड. जो भी आइडल जो भी देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती थी वो नीम की लकड़ी से बनाई जाती थी बनाई जाती भी है. एग्जाम्पल टेम्पल्स के जो एग्जाम्पल है जैसे लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी. और वन मोर थिंग अबाउट द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल इज दैट हर 12 साल में यहाँ नव कलेवर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. और फिर इसमें जो आइडल्स होती है पुरानी आइडल को नई आइडल से रिप्लेस किया जाता है. एंड द अदर एग्जाम्पल इज सन टेम्पल इन कोणार्क, जिसे हम ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जानते हैं. एंड द अदर एग्जाम्पल इज लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर. सो हियर यू कैन सी द लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, दिस इज लिंगराज टेम्पल एंड दिस इज कोणार्क टेम्पल, यानी कि सन टेम्पल इन कोणार्क ब्लैक पगोड़ा. सो अब हम आते हैं सब स्टाइल नेक्स्ट सब स्टाइल ऑफ नगरा, विच इज चंडेल स्टाइल और खजुराहो स्टाइल. सो चंडेल स्टाइल नाम क्यों? क्योंकि वहां पर चंडेल वर द रूलर्स, दैट इज वाई दिस सब स्टाइल नेम इज चंडेल. और खजुराहो नाम भी इसे दिया जाता है क्योंकि ये टेम्पल्स खजुराहो प्लेस में मध्य प्रदेश में एग्जिस्ट करते हैं. दैट इज वाई खजुराहो वर ऑल्सो द नेम ऑफ दिस सब स्टाइल. सो हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ दिस सब स्टाइल. इट वॉज क्रिएटेड ऑन रिलेटिवली वेरी हाई प्लेटफॉर्म. सो वेरी हाई, इतने हाई कि आप इमेजिन कर पाओ 200 स्टेयर्स तक इनके प्लेटफॉर्म में होती थी. सो एज कंपेयर टू उड़ीसा स्टाइल एंड नगरा स्टाइल इट इज वेरी हाई प्लेटफॉर्म. एंड बोथ द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉल्स लेविशली डेकोरेटेड विद इंट्रिकेटेड कार्विंग्स. सो बोथ द वॉल्स इनसाइड और आउटसाइड, तो दोनों वॉल्स इंट्रिकेट डिजाइन उसमें देखे जाते हैं. जबकि हम उड़ीसा स्टाइल से कंपेयर करें तो एक्सटीरियर वॉल वॉज डेकोरेटेड. नाउ द नेक्स्ट इज द स्कल्पचर ऑन द वॉल डिपिक्ट मैनी एपिसोड्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी एंड ऑल्सो सम ऑफ द स्कल्पचर्स वर बेस्ड ऑन कामा सूत्रा रिटन बाय वात्सायन. अब आप क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि वाई दीज टेम्पल्स हैविंग स्कल्पचर्स रिलेटेड टू कामा सूत्रा. सो पहले मैं आपको माइथोलॉजिकल रीजन बताती हूँ कि कहा जाता है कि जो चंद्रवर्मन थे उनकी जो मदर थी मायावती. सो उन्होंने चंद्रवर्मन उस टाइम पे रूलर थे. सो उनकी माता जी ने शी रिक्वेस्टेड हर सन टू डिपिक्ट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द टेम्पल, जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष. सो ये चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन टेम्पल्स में दिखाए गए हैं, जो कि मोस्टली हर इंसान अपने जीवन में इन चारों एस्पेक्ट से गुजरता है. और जब भी कोई इन टेम्पल में एंटर करे तो वो अपने लाइफ के हर फेजेस को देखे, अनुभव करे और अपनी इनर सेंक्टिटी बनाए रखे. दैट इज वाई यू कैन सी द फोर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन दीज टेम्पल्स वॉल्स. एंड वन ऑफ द स्पेशलिटी ऑफ चंडेल स्टाइल इज presence of multiple shikras and chambers. All the chambers are interconnected with each other in east-west direction. So, hum diagram mein dekhenge kaise east-west direction mein multiple shikras and chambers hote the inme. And multiple shikars impressions of mountain ranges. Aur ye mountain ranges ka impression dete hain. Kaise aap jaise is diagram mein bhi dekh sakte hain. मल्टीपल शिखराज होते थे, ये देखिए कितने शिखराज हैं इसमें चंडेल स्टाइल में. और आप इनके डोर की डायरेक्शन देखेंगे कि वो ईस्ट से वेस्ट ही होती थी और इंटरकनेक्टेड होती थी. ईस्ट वेस्ट ईस्ट, इस तरीके से ये
ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन इनके डोर के चैम्बर्स जो थे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कनेक्टेड होते थे। सो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ दिस सबस्टाइल। सो हिंदू टेम्पल में इस सबस्टाइल में हिंदू टेम्पल ही नहीं जैन टेम्पल भी थे। खजुराहो में जैन टेम्पल भी इस सबस्टाइल में बने हुए हैं। सो अब आप देखोगे कि हिंदू टेम्पल में अगर आप देखें तो एग्जाम्पल इज कंदेरिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो एंड दिस टेम्पल इज कंसिडर्ड एज द क्लाइमेक्स ऑफ नगरा स्टाइल एंड द अदर एग्जाम्पल इज लक्ष्मण टेम्पल। सो हियर यू कैन सी कंदेरिया महादेव टेम्पल एंड द अदर इज लक्ष्मण टेम्पल। सो यू कैन सी मल्टीपल शिखरास इन दीज टेम्पल्स एंड ईस्ट टू वेस्ट फेसिंग चैम्बर इज ऑल्सो देयर। और खजुराहो में आप पाओगे कि मैनी टेम्पल्स वर क्रिएटेड इन सर्कुलर पैटर्न एंड ह्यूज नंबर ऑफ पिलर्स एंड फ्लैट रूफ। सो एग्जाम्पल इज चौसठ योगिनी टेम्पल। दिस इज द चौसठ योगिनी टेम्पल। एंड यहाँ आप अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो आप महसूस कर पाओगे दिस स्ट्रक्चर इज पार्लियामेंट ऑल्सो लाइक दिस टेम्पल। सो अब आप समझ गए होंगे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने यहीं से इंस्पायर होकर पार्लियामेंट को क्रिएट किया है। सो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इस सब स्टाइल में नॉट ओनली हिंदू टेम्पल बट जैन टेम्पल्स वाज आल्सो देयर। जैसे एग्जांपल इज पार्श्वनाथ टेम्पल एंड घेंटा टेम्पल। सो दिस इज द पार्श्वनाथ टेम्पल। हियर यू कैन सी मल्टीपल शिखरास ऑल्सो देयर इन जैन टेम्पल। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट सब स्टाइल ऑफ नगरा इज सोलंकी टेम्पल। सो अब हम कवर करते हैं इसके फीचर्स को। इट इज इनिशिएटेड बाय चालुक्य सोलंकी रूलर ऑफ गुजरात एंड बोथ द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स आर मिनिमली डेकोरेटेड विद कार्विंग। अगर हम चंडेल स्टाइल में देखते हैं तो बोथ द वॉल्स वर डेकोरेटेड लेविशली डेकोरेटेड की जाती थी और बहुत सारी कार्विंग्स उसमें होती थी, लेकिन यहाँ पे मिनिमली डेकोरेटेड कार्विंग्स आपको मिलेंगी एंड मेजोरिटी ऑफ द टेम्पल्स इन दिस स्टाइल आर क्रिएटेड फेसिंग ईस्ट डायरेक्शन। और आपको मेजोरिटी ऑफ टेम्पल ईस्ट फेसिंग डायरेक्शन में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है बिकॉज सन रेज मस्ट डायरेक्टली शाइन ऑन मेन श्राइन्स ऑन द डे ऑफ इक्विनॉक्स। सो ये रीजन था कि उनके टेम्पल्स की मेजोरिटी टेम्पल्स की फेस ईस्ट डायरेक्शन में होती थी। एंड द नेक्स्ट इज स्पेशल फीचर इज प्रेजेंस ऑफ स्टेप्ड वाटर टैंक। आप पाओगे कि यहाँ पर स्टेप्ड वाटर टैंक आपको देखने को मिलेगा एंड क्रिएशन ऑफ स्मॉल रेप्लिकाज ऑफ टेम्पल ऑन द स्टेयर्स। और आप देखोगे कि स्टेयर्स पर छोटे छोटे स्मॉल रेप्लिकाज ऑफ टेम्पल भी आपको देखने को मिलेंगे एंड दीज मिनिएचर स्ट्रक्चर्स वर क्रिएटेड विद वुड और स्टोन। दोनों से, वुड से भी स्टोन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। नॉट ओनली हिंदू बट चलिए हम थोड़ा सा डायग्राम में भी देख लेते हैं कैसे। सो इस डायग्राम में अगर देखोगे आप, दिस इज स्टेप्ड वाटर टैंक और आप देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल रेप्लिकाज ऑफ टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे इस तरीके से, जो कि वुड से भी बने हो सकते हैं और स्टोन से भी बने हो सकते हैं। वो टेम्पल टू टेम्पल डिपेंड करता है कि कौन से टेम्पल में क्या है। एंड नाउ नॉट ओनली हिंदू बट जैन टेम्पल्स वर आल्सो क्रिएटेड इन दिस स्टाइल। इस स्टाइल में हिंदू टेम्पल भी क्रिएट किए जाते थे और जैन टेम्पल भी क्रिएट किए जाते थे। एग्जाम्पल इन हिंदू टेम्पल में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो सन टेम्पल इन मोधेरा, और जैन टेम्पल में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो दिलवारा टेम्पल हम देखते हैं। और दिलवारा टेम्पल में एक स्पेशल फीचर ये है कि डिफरेंस कि इसमें वाटर टैंक आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन स्टाइल इसका सोलंकी सब स्टाइल ही है। नाउ वी विल सी द इमेज ऑफ द सन टेम्पल मोधेरा इन गुजरात। दिस इज द इमेज, दिस इज अ फ्रंट व्यू ऑफ द टेम्पल एंड साइड व्यू से अगर इस टेम्पल को थोड़ा सा देखेंगे तो दिस इज द इमेज। सो ये टेम्पल सेम ही है, ये फ्रंट व्यू है और ये दूसरे वाला साइड व्यू है।
और जो हमने फीचर्स पढ़े थे, जैसे कि स्टेयर्स पर स्मॉल रेप्लिकाज ऑफ टेम्पल यू कैन सी, एंड दिस इज वाटर टैंक ऑल्सो देयर. सो दीज आर द फीचर्स विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. नाउ इन जैन टेम्पल, दिस इज दिलवारा टेम्पल इन माउंट आबू. सो और दिलवारा टेम्पल भी जैसे हमने पढ़ा कि देर इज नो वाटर टैंक इन दिस टेम्पल. सो इसी के साथ विद दिस वी एंड दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव. इफ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज कमेंट में बताइएगा जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो पूछे थे.